नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में आंधी पानी को लेकर। बिहार के कई जिलों में शनिवार को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ और पूर्वा हवा चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। यह हवाएं झोंकेदार होगी। इस दौरान प्रदेश में आंधी पानी और ठंड का के आसार है। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश होने से प्रदेश भर में उच्चतम तापमान में अधिकतम 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार औरंगाबाद के प्रदेश का सबसे अधिक तापमान यानी कि 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा 40 डिग्री से भी अधिक तापमान डेहरी में 42 डिग्री सेल्सियस और नवादा में 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शेष जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अभी भी पछुआ और पूर्वा दोनों ही हवाएं चल रही हैं। उत्तर बिहार में अभी भी पूर्वैया और दक्षिणी बिहार में पछुआ हवा चल रही है। साथ ही साथ टर्फ लाइन भी प्रदेश से गुजर रही है। इसकी वजह से मौसम में उतार चढ़ाव तेजी से देखने को मिल रहा है। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कई जगह मध्यम से भारी बारिश हुई है, लेकिन पारे में गिरावट देखी गई है। फिलहाल अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में लू की आशंका नहीं है। हालांकि प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में गर्मी पड़ती रहेगी। आपको बता दें कि ये वो इलाका है जहां जब उत्तर बिहार में भी जब तेज़ बारिश हो रही थी उस दौरान भी इन इलाकों में गर्मी लोगों को एहसास हो रहा था। भागलपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आंधी और बारिश की फसल को खासा नुकसान हुआ है। इस बार लीची और आम का फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आंधी से केले की फसल को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। सैकड़ों एकड़ में लगे केले के पौधे गिर गए हैं। किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सुल्तानगंज में आंधी के कारण खंड में शुक्रवार को जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। घोरघट में 24 घंटे से बिजली बाधित है और लोगों को पानी की भी समस्या सामने आ गई है। ज़्यादातर जगह पर तार और पोल गिरने के कारण बिजली में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 16 जिलों में आंधी और वज्रपात से 33 लोगों की मृत्यु पर दुख जताते हुए शुक्रवार को मृतकों को आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपये अनुग्रह राशि जो है अनुदान देने की बात जो है उन्होंने अपने घोषणा के रूप में कर दी है। इसके साथ साथ आंधी एवं वज्रपात से हुई गृह क्षति एवं फसल क्षति का भी आकलन कर प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाने की बात कही गई है। नीतीश कुमार ने लोगों को खराब मौसम में पूरी तरह से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वज्रपात और बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों को लोगों को पालन करना चाहिए। खराब मौसम में घर से बाहर ना निकलें तो बेहतर होगा, घर में ही सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से आए दिन और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी लगातार बारिश और लू को लेकर जो है अलर्ट जारी करते रहे हैं। और ऐसे में कई ऐसे तरह से कह लें कि जब जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया जिसमें उन्होंने सावधानी के रूप में खास तौर पे कहा है कि जब बारिश की कई स्थिति जब बनता हो या फिर आसमान में बादल छाए हों ऐसे दौरान अगर लगे कि बारिश हो रही है या फिर मौसम विभाग की तरफ से अगर बारिश का कोई अलर्ट जारी होता है तो इस दौरान आप खुले में ना रहें, ऊँचे पोल और पेड़ के नीचे कभी ना रुकें। हो सके तो आप पक्के मकान में चले जाएँ और पेड़ और पोल से बचते हुए आप कहीं दूर चले जाएँ, क्योंकि इस दौरान अगर वज्रपात की स्थिति होती है तो ऐसे में लोगों की जान जाने का खतरा ज़्यादा होता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।